नमस्कार, नम्रता टेलरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम हाथ सिलाई से लेके शुरू करते हैं। अभी हम लोग हाथ सिलाई सीखेंगे, उसके लिए ऐसा सुई लगते हैं, इसको हेमिंग सुई बोलते हैं। इसके अंदर डबल धागा डाल के हम लोग अभी कपड़े पे सादा टाका मारेंगे। पहला कपड़े को ऐसा फोल्ड करके लेंगे, ऐसा फोल्ड करके लिया, उसके बाद हम लोग शुरू में सादा टाका डालेंगे। सादा टाका डालने के लिए भी आप एक सीधा लाइन बना के ले सकते हो। ये देखिए ऐसा, फिर से यहाँ पे सुई, फिर ऊपर, यहाँ से ऐसे। ऐसे टाके डालते जाने हैं आपको। मैंने इस पे आपको दिखने के लिए रेड कलर का धागा लिया है, मैचिंग लिया नहीं है। मैं मैचिंग देती तो आपको कैमरे में नहीं दिखता, आप मैचिंग कलर का धागा लेके कर सकते, नहीं तो कोई भी दूसरा धागा लेके कर सकते हो। अभी थोड़ा करने के बाद मैं यहाँ पे एक गार्ड बनाने का है। बाद में धागा कट करने का कटर से या कैंची से। अभी ये तो हुआ हाथ का सादा टाका। अभी हम तुरपाई करना सीखेंगे। इसे तुरपाई बोलते हैं, कोई हाथ सिलाई बोलता है, कोई हेमिंग बोलते हैं। तो ये तो ज़्यादा ब्लाउज के आस्तीन में रहता है, कमर पट्टी में रहता है, गले में रहता है। इसके लिए इसे साइड में जो ऐसा पट्टी रहता है खुला, इसके साइड में डालते हैं। इसके लिए नीचे का कपड़ा थोड़ा लेने का है और ऐसा ऊपर आने का है क्रॉस में, फिर आगे भी जाके ऐसे। नीचे का कपड़ा एकदम थोड़ा आना चाहिए, क्योंकि बाहर से अपने को बड़ा बड़ा सिलाई नहीं दिखना चाहिए। ब्लाउज के आस्तीन में बाहर से सब बड़ा सिलाई दिखेगा तो ख़राब लगता है। इसे गले में भी डालते हैं तो गले में भी बड़ा टाका आएगा तो ख़राब दिखेगा। इसे क्रॉस लेके हमेशा ऐसे तिरछे टाके आने चाहिए। इसके लिए हेमिंग के लिए हमेशा ऐसे तिरछे टाके आने चाहिए। ये अंदर के साइड हो गए, अब बाहर के साइड ये टाका ऐसा दिखना चाहिए, छोटा छोटा ये आपको दिखना चाहिए। इसके लिए मैंने रेड धागा लिया, अगर मैचिंग लेती तो आपको बिल्कुल ही नहीं दिखता था। तो आप ऐसे आराम से आहिस्ता फिर से देखें, जो नीचे का कपड़ा है वो थोड़ा सा ही पकड़ना है आपको तिरछे में, और फिर ऊपर के कपड़े में सुई लगानी है, फिर से नीचे के कपड़े में, फिर ऊपर के कपड़े में। तो ऐसे लंबे धागे आने चाहिए। कोई कोई क्या करेंगे, ऐसे पकड़ के धागा नहीं डालना है, ऐसी सुई पकड़नी है। ऐसे पकड़ोगे तो वो ख़राब दिखता है, ऐसे पकड़ने से अच्छी सिलाई आती है और अच्छी भी दिखती है अंदर से भी, और बाहर से नज़दीक नज़दीक डालोगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो अच्छा लगता है। ये देखिए ऐसे टाके दिखने चाहिए, सुंदर लगते हैं ऐसे, और यहाँ से भी अच्छा दिखता है। अभी हम काज बनाना सीखेंगे, जो ब्लाउज में, रेड शर्ट में, फ्रॉक में लगता है। उसके लिए हम लोग सुई में ऐसा डबल धागा डालेंगे, क्योंकि ऐसा डबल डालने से फिर ऐसे घूम के आता है तो ये चौबल हो जाता है। तो काज के लिए चौबल रहेगा तो अच्छा रहता है, काज अच्छा भी दिखता है और ज़्यादा दिन चलता भी है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। ये हुआ चौबन धागा। अभी हम काज काटना सीखेंगे। काज के लिए हमेशा ऐसा फोल्ड लीजिए, ऐसा कपड़ा फोल्ड करके लीजिए, और जो कैंची का आगे का नोक रहता है ना, उससे ही कट देना है, इतना सा ही। ऐसे हम लोग दो तीन करके ले लेते हैं। कैंची का नोक अच्छा होना चाहिए तो बराबर आ जाएगा, ऐसा पकड़ के कभी भी काटना नहीं है। कभी गलती से, अगर अभी हम लोग को मालूम है इतना ही कट रहा है, कभी गलती से ऐसा जोर से गया तो यहाँ तक कपड़ा कट जाएगा। इसके लिए सिर्फ आगे के नोक से ही काज काटना है।
और कोई कोई क्या करते हैं, अभी अपना सीधा हुआ काच है ऐसा, कोई कोई ऐसा पकड़ के उसको काट देते हैं। ये गलत है, काच ऐसा नहीं होता है, ये खराब हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, काच हमेशा ऐसा सीधा होना चाहिए। तो अभी हम लोग काच काटना सीखे, अभी इसको सिलाई करते हैं। इसमें बटन होल स्टिच आता है वो लगाएंगे हम लोग। तो अभी अंदर के साइड से, ए साइड से हम लोग सुई ऊपर की साइड लेंगे, यहाँ पे कॉर्नर में जिसको कटिंग किया है वहाँ से सुई अंदर, और ये जो धागा है ये वाला वो सुई के ऊपर से लेंगे। अभी कॉर्नर का स्टिच हुआ तो इसको लंबा खींचना है ऐसे, अभी हम लोग साइड से स्टिच बनाएंगे। कटिंग किया है वहाँ से सुई यहाँ पे बाहर निकालनी है, और ये जो धागा है ए वाला ए साइड का, ये सुई के ऊपर लेना है घुमा के, और फिर सुई ए साइड खींच लेनी है। और उसके ऊपर उंगली रख के खींचना है उसको, फिर दूसरा उसके बाजू में ऐसे। ऐसे सब टाके साइड साइड में लगाते जाने हैं, ये धागा ऐसे ऊपर। फिर से आप देखिए, जब तक मेरा काश नहीं पूरा हो जाता है बना के, तब तक आप बराबर ध्यान से देखिए, क्योंकि ये यहाँ से सुई, ये धागा इसके ऊपर, फिर ये वाला डिजाइन ये साइड में खींचना है, और बराबर इसके ऊपर उंगली रख के खींचो तो एकदम अच्छा दिखेगा वो। ऐसे आपको देखिए यहाँ पे, फिर से देखिए वैसे ही टाका डालना है पूरा, मगर आप बार बार मैं बता रही हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ये हुआ, अभी हम लोग एक कॉर्नर पे आए, कॉर्नर पे हम लोग ऐसे ऐसा वाला टाका डालेंगे, फिर ऐसे देखिए ये हुआ ऐसा। एक कॉर्नर हुआ, अभी ए साइड का हमने बनाना है, तो ऐसे कपड़ा घुमा के लेते हैं। अभी अब ए साइड में भी वैसे ही सुई इतना ऊपर लेना है, फिर इसको इसके ऊपर ये धागा, फिर अंदर के साइड खींचना है इसे। अभी ये पूरा हुआ अपना, जो कटिंग किया हुआ था वो सब में बराबर गोल में टाके आ गए हैं। तो अभी हम लोग ये सुई नीचे लेंगे, यहाँ पे जहाँ पे पहला टाका बना है उधर ही, और नीचे यहाँ पे एक गांठ बांधेंगे। जो हमने पहले वाला गांठ था वही पे दूसरा वाला भी गांठ आ जाएगा, और ये अपना काज कंप्लीट हुआ है। अभी हम हुक की कड़ी बनाना सीख रहे हैं, इसे कोई हुक की कड़ी बोलता है, आए बोलते हैं, कोई लूप्स बोलते हैं। इसमें भी चौबल धागा है, यहाँ से यहाँ इसे इतना लंबा हुआ, फिर से यही से साइड से ऊपर लेते हैं। चौबल धागा है इसके लिए मैंने दो बार ही लिया है, अगर आपने डबल धागा लिया है तो चार पांच बार लेना पड़ेगा, फिर से वही से ऊपर लेना है। फिर है कपड़ा घुमाने का, यहाँ पे ऐसे ढका डालना है, बाद में फिर इसके अंदर से सुई निकाल के, कपड़े में नहीं लगना चाहिए सुई, सिर्फ ये धागे में ऐसा इधर ऐसा खुला होना चाहिए, धागे के अंदर से सुई निकालनी है, ये वाला धागा है वो सुई के ऊपर लेना है। जैसा बटन होल स्टिच के लिए लिया है ना वैसे ही लेना है, और ऐसे खींचना, फिर से धागे में से सुई, ये धागा सुई के ऊपर,
ऐसे होना चाहिए। ऐसे इधर का इधर कपड़े में नहीं टच होना चाहिए, सिर्फ धागे के अंदर से सुई आनी चाहिए और ये बराबर ऐसी गांठ होनी चाहिए धागे में। ये हो गई हुक की कड़ी, इसके अंदर हम लोग हुक फंसाते हैं। ये वाला ऐसे होना चाहिए, इसका डिजाइन बराबर एक लाइन में आनी चाहिए यहाँ पे, ये बहुत सुंदर लगता है। ऐसे फिर यहाँ से पीछे लेके यहाँ पे इसको गांठ बांध देना। दो गांठ बांध देना, ये बटन है। अभी हम लोग बटन कैसे लगाना है वो सीखेंगे। इसमें भी चौबली धागा है सुई में, क्योंकि चौबल से मजबूत हो जाता है, जल्दी टूटेगा नहीं, इसके लिए चौबली देने का। नीचे से सुई इस होल में देने का, यहाँ से ये साइड में क्रॉस में ये होल से इसके सामने के होल में देने का है। एक एक बार हुआ और एक एक दो दो बार डालने का तो मजबूत हो जाएगा। कोई ऐसा फुल्ली में लगाते हैं, कोई सीधे में भी लगाते हैं, मगर ऐसा अच्छा लगता है, दिखने में भी अच्छा दिखता है। अब ये हुआ दो दो तीन तीन बार डाल के हुआ, इसको पीछे लेके एक गार्ड बना देने का है। ये ब्लाउज का हुक है, हम लोग अभी हुक लगाना सीखेंगे। सुई नीचे से ऊपर पर आने के बाद एक कड़ी में से यहाँ से ऐसे फिर ऐसे पूरे राउंड में हमें टाके डालने हैं इसको गोल में। कोई कोई इसमें भी बटन स्टिच, बटन और स्टिच का टाका डालते हैं, पर हम लोग सादा ही डालते हैं, अगर चाहिए तो वो भी डाल सकते हैं। अभी ए बाजू की कड़ी हो गई, अभी ए साइड की कड़ी में डालेंगे। पांच छह टाके डाल देने का, क्योंकि मजबूत हो जाना चाहिए वो। अभी दोनों साइड की कड़ी हो गई, अभी हम लोग एक कपड़ा इसके नीचे से हुक के नीचे से लेंगे, फिर ऊपर, फिर हम लोग हुक के नीचे से सुई कपड़े में लगाएंगे, फिर ऐसे सीधे बाहर लेके फिर ये हुक के अंदर, फिर हुक के नीचे से, फिर उसके अंदर से धागा लेंगे, फिर नीचे के कपड़े को पकड़ के ऐसे ऐसे छह सात टाके लगा देंगे। यह होने के बाद यहाँ पे ऐसे गांठ लगा देंगे, एक दो गांठ लगाने के बाद
ऐसा मजबूत होना चाहिए, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, पूरा ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे काट देंगे। अभी एक ब्लाउज में लगाने का रहेगा तो इसके आगे जो हुक लगाएंगे वहाँ पे धागा लेके जाने का, मगर अभी हम लोग एक ही सीख रहे तो इस पर यहाँ पे कटिंग कर देंगे इसको। तो ये हुआ हमारा हुक लगा के। तो आज हम क्या सीखे, सादा टाका, तुरपाई, हुक, काज, बटन और आय। अभी ये सब का आपको अगला वीडियो आने तक प्रैक्टिस करनी है। मैंने एक पट्टी पे बनाया है, आप एक ऐसा रुमाल बना के भी उसके ऊपर ये कर सकते हो। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।